हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। जो बच्चे फ्रूट नहीं खाते हैं, आप ये रेसिपी बना के दीजिए। मैं गारंटी देती हूँ आपके बच्चे ज़रूर फ्रूट खाएंगे। जिसके लिए मैंने ली है ये एक बनाना। इसको मैं छील के कट कर लूँगी। आप हो सके जितनी पकी बनाना मिले आप ले सकते हैं, और आप इसे इस तरह पीस में कट कर ले। अब हमारी बनाना कट चुकी है। अब मैं करती हूँ गैस ऑन, और अब मैं डालूँगी इसमें 2 चम्मच ब्राउन शुगर, और इसे अच्छे से फैला लूँगी। देखें, आप देख सकते हैं ये अपने आप पिघलना स्टार्ट हो गई है। मैं इसे छेड़ूंगी नहीं, इसे ऐसे ही पिघल लूँगी। अब जिस तरफ से हमारी चीनी पिघल चुकी है, मैं उस तरफ ये बनाना रखूँगी। अब मैं इन्हें पलट लूँगी। हमें इन्हें चीनी के अंदर अच्छे से दोनों तरफ से कोट कर लेना है। देखिए, अब हमारी बनाना अच्छे से चीनी के अंदर कोट हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद करके इन्हें थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। देखिए, मैंने एक कटोरी ली है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पपाया, ये 1/2 कप पपाया है। ये मैंने लिया है पियर्स, मैंगो, अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहे अपने बच्चों की पसंद से फ्रूट ले सकते हैं। अब मैं लूँगी जो मैंने कैरेमल की थी। अब मैंने जो ये बनाना चीनी में कोट की थी उन्हें डाल दूँगी ऊपर से। इस तरह मैं सारी बनाना, देखिए, अब मैंने कुछ पीस मैंगो के बचा के रखे थे उन्हें डाल दूंगी, पपाया, और सबसे ऊपर पियर्स। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और ख़ास करके बच्चे तो इन्हें बहुत ही खुश होके खाते हैं। तो एक बार प्लीज़ ट्राई करें।
बच्चे फ्रूट भी खा लेंगे और खुश भी हो जाएंगे। और यदि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।